गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जय जगदीश हरे ओम जय जय। ये क्या है? संतरा। ये हमारा गुड़, थोड़ी सी चीनी, नींबू, मूली, भांग का चपिसरा नमक और दही या मलाई डालेंगे अभी हम इसमें। वो आती ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो आज हमारे जो इष्ट देव हैं उनके मंदिर में है पूजा, तो मैं फटाफट से मन मायके से आ गई थी आज, क्योंकि मंदिर में पूजा है, साथ में सब लोग पूजा करेंगे। अभी मैं मंदिर ही जा रही हूँ, बाकी सब लोग वहीं पे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी ये भी वीडियो में कि हमारे वहाँ किस तरह से इष्ट देव की पूजा की जाती है। आपको मंदिर भी दिखाऊंगी हमारा, तो चलिए मंदिर चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, तनुज अभी जगह बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक नल लगा हुआ है जहाँ से हम पानी वगैरह का कनेक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे। तो तनुज पूरी जगह बना के बाल्टी बाल्टी लगा रहे हैं। ये है हमारा मंदिर का पूरा एरिया और काफ़ी अच्छा स्पेस छोड़ा है हमने मंदिर के लिए, क्योंकि पूजा वगैरह करने में आसानी रहती है। और देखिए यहाँ पे मेरी चाची सास बैठी हुई है, ये धुनी जल रही है। और ये मेरी सासूमा है काले चश्मे वाली, इनका अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है आंखों का। ये कर रही है खिचड़ी की तैयारी और यहाँ पे पंडित जी पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले ये अपना पूरा पाठ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आरती वगैरह होगी। सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है और चाचा जी जो हैं वो हमारे हलवे की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये हैं हमारे देवता, उनका मंदिर है ये, और उनके सबके आगे हमने प्रसाद वगैरह रख दिया है। और मंदिर में ही सारा कुछ खाने को बनता है, धुनी वगैरह यहीं जलाई जाती है ना, पूरी बनती है और पुए बनते हैं, रोट बनते हैं, खिचड़ी बनती है। तो सब कुछ मंदिर में बना के मंदिर में भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं और सब लोग उस भोग को फिर खाते हैं मंदिर में चढ़ाने के बाद। तो बस वही तैयारी सब चल रही है। और हाँ, स्पेशल हमारी पहाड़ियों के उड़द दाल के बड़े बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, वो भी यहीं पर फ्राई होंगे। अद्वे कह रहा है कि मुझे भी कैप्चर करो, देखो इसका तो सही हो रहा है, अपना खेल पे लगा हुआ है। अभी पाठ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आरती की बारी है। मैं देखिए यहाँ पे बढ़िया बड़े बना रही हूँ, छेद वाले है ना, हाथों पे रख रख के गोल गोल के करके मैं और चाची बड़े बना रहे हैं। और अभी है आरती की बारी, क्योंकि हो चुका है पाठ पूरा। तनुज बोल रहे हैं मुझे कि आप भी आ जाओ, साथ में आरती करते हैं। ये देखिए, तो मैंने कहा ठीक है, अब आगे के जो बड़े हैं वो कोई और बना लेगा, तो मैं हाथ धोने चली गई हूँ। उसके बाद सब एक एक करके जोड़े में आरती करते हैं, पहले मम्मी जी पापा जी ने करी, फिर हम लोग करेंगे। ये हमारे अंदर का देखिए गंगनाथ जी के मंदिर के दर्शन है, इस तरह से कुछ बनाया जाता है। और ये हमारे दूसरे देवी देवता है ना, यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। मैं मेंशन कर दूंगी कौन सा मंदिर कौन सा देवता का है। अंदर जाके आ गई, ये वाला जो बड़ा मंदिर है, अंदर जाके आ गई। स्वामी प्रेम सहित गावे सचिवानंद स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय। तो पूजा सारी हो चुकी है, अभी बारी है जो भोग वगैरह लगाए हैं कौवे वगैरह को देने की, गाय वगैरह को देने की। तो वही हो रहा है, हम चाचा जी को चिढ़ा रहे थे कि जोर जोर से बोलो काले कौवा काले कौवा। तो इस तरह से हमारे वहां मंदिर में पूजा की जाती है, हमारे पहाड़ियों के वहां गंगनाथ जी हमारे जो कुल देवता है ना, हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं पहाड़ियों के, उनकी पूजा इसी तरह की जाती है। और उसके बाद हम बना रहे हैं आज ये नींबू सान भी बोलते हैं, चूक भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले सासू मां बना रही है इसका जो नमक बनाया जाता है भांग का, वो पीस रही है, भांग की चटनी है। भांग हम बनाएंगे नींबू सान। तो इस भांग के नमक में हम डालते हैं भांग के बीज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, और एक बढ़िया सा नमक बनके बनके टेस्टी होता है। और सिलबट्टे वाला तो लाजवाब होता है। थोड़ा बनाओ बढ़िया सा, उसके बाद थैंक यू हम इसको वो करेंगे।
हेल्प करोगे जल्दी जल्दी, वरना ये हो जाता है कड़वा। क्या बना रहे हम, क्या बोलते हैं इसको पहाड़ी में, चूक सान ना, चूक चूक सान रहा है हमारा, बढ़िया सा। पहली बार सान रही हूँ मैं, खाया तो बहुत बार है पर सान पहली बार है। सब दिखाओ इसमें, ये क्या है, संतरा, ये हमारा गुड़, थोड़ी सी चीनी, नींबू, मूली, भांग का चपिसरा नमक और दही या मलाई डालेंगे अभी हम इसमें, ऐसे कड़वा ना आ जाए। अब हो गया दोनों, तो ये हमारा चूक सनरा है, इसमें हमने बहुत सारी वैरायटी में चीजें डाली हुई हैं और अब इसमें भांग का नमक भी ऐड हो गया है, संतरा ऐड हो गया है, मूली, और ये देखिए क्या लजीज लग रहा है, ये बहुत ही टेस्टी, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ गया है और मैं इसको बढ़िया मसल मसल के बढ़िया बना दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको जब रेडी करने के बाद थोड़ा सा तनुज को टेस्ट करवा रही हूँ कि इसमें जो भी चीजें पड़ी हैं वो बिल्कुल करेक्ट मात्रा में है कि नहीं है, मीठा खट्टा सब कुछ कैसा हो रहा है, नहीं तो कुछ और एड ऑन किया जाए। बट तनुज कह रहे हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया हो रहा है, तो हमारा बढ़िया सा बनके रेडी हो गया है ये। अब हम करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट। उससे पहले सासू माँ कह रही थी इसमें थोड़ा और दही या कुछ डाला जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा दही इसमें और ऐड करने को मुझे बोला है, तो हमने कहा चलो ठीक है कर देते हैं इसको भी ऐड, क्योंकि जो को रस रस खाना है तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया हमारा बन गया है। थाली में ही खाऊंगी मैं, कटोरे ले आए बस, गुड़ नहीं हो रहा लेकिन ना मिक्स, कैसे करते हो तुम गुड़ मिक्स। तो बस अब कटोरी में सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हम पहाड़ी चूक कैसे सानते हैं और अपने देवी देवताओं की पूजा का व्लॉग था, छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं अपना नींबू सान यानी कि चूक एंजॉय करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। तुम बताओ तुम बताओ तुम किसके टेस्टी।